मेटल शेयर्स में रौनक, नालको वायदा के टॉप गेनर्स में, तो हिंडाल्को दो महीने की ऊंचाई पर, जेएसपीएल और हिंदुस्तान कॉपर 1-3%। छोटे मझौले शेयर्स में अच्छी खरीदारी, जेबीएम ऑटो 12%, तो सीई इन्फोसिस्टम्स, जीई शिपिंग और वेल्सपन इंडिया 5-8% भागी। सेनको गोल्ड की शानदार लिस्टिंग, शेयर 35% की प्रीमियम पर लिस्ट, अनिल सिंघवी की ₹375 के स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करने की सलाह। उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक के आईपीओ का आखिरी दिन, जबरदस्त रिस्पांस के साथ इश्यू अब तक करीब 23 गुना से ज्यादा बढ़ा, अनिल सिंघवी की बड़े लिस्टिंग गेन और लंबी अवधि के लिए पैसा लगाने की सलाह। पतंजलि फूड्स ओएफएस रिटेल निवेशकों के लिए खुलने के साथ 5% का अपर सर्किट पर शेयर, नॉन रिटेल का हिस्सा 2 गुना भरा, क्लियरिंग प्राइस ₹1,103.80, ग्रीन शो ऑप्शन का इस्तेमाल नहीं करेंगे प्रमोटर्स। नमस्कार, कॉर्पोरेट राज में आप सभी का स्वागत है, मैं हूं स्वाति खंडेलवाल। आज हम आपके लिए लेकर आए खास सेगमेंट लाइफ एट हाई, एट लाइफ हाई, जहां हम बाजार के लाइफ हाई पर दिग्गज मार्केट एक्सपर्ट से बात करते हैं। तो लाइफ हाई वाले बाजार में कहां करें निवेश और किन सेक्टर्स पर रखना है फोकस, ये जरूरी है। और इन्हीं मुद्दों पर बात करने के लिए आज हमारे साथ खास मेहमान जुड़ रहे हैं, अल्फा क्वांटम कैपिटल मैनेजमेंट के फाउंडर एंड सीईओ संजीव अग्रवाल, उनके साथ हम बातचीत का सिलसिला शुरू करेंगे। लेकिन बाजार में आज क्या है एक्शन, ये समझने के लिए चलते हैं सीधे नुपुर के पास। नुपुर बताइए। बिल्कुल, भरपूर एक्शन है लाइफ एट लाइफ हाई की तो आपने बात कर ही ली, लेकिन मैं आपको एक्शन बता देती हूँ। कल भी हमने एक अच्छा रीबाउंड देखा था बाजार में, वो आज कंटिन्यू होता हुआ नजर आ रहा है। बैंक निफ्टी हल्का सा लाल निशान में स्लिप करता हुआ आपको दिखेगा, लेकिन निफ्टी और सेंसेक्स की बात करें तो आपको यहाँ पे 50 पॉइंट की तेजी निफ्टी में फिलहाल नजर आ रही है। काफी सारे काउंटर्स है जहां पे आज खरीदारी हो रही है, अच्छा मोमेंटम नजर आ रहा है। शुरुआत करते हैं टेक महिंद्रा के साथ, बढ़िया रीबाउंड हमने आईटी स्टॉक्स में देखा, डिस्पाइट द फैक्ट कि नतीजे कमजोर आए, लेकिन जो डील पाइपलाइंस वो काफी स्ट्रॉन्ग है, जिसके चलते यहाँ पे बढ़िया मोमेंटम बनता हुआ नजर आ रहा है। टेक महिंद्रा देखे तो 3.5% की तेजी आपको यहाँ नजर आएगी, एचसीएल टेक 2.5% ऊपर आपको दिखेगा, इन्फोसिस कल एडीआर भी देखे तो 4.5% की तेजी थी, उसके बाद यहाँ पे 2.5% की तेजी यहाँ पर भी नजर आ रही है। हिंडाल्को भी बात करें तो 1-1.5% की तेजी आपको यहाँ पर स्क्रीन पर फिलहाल देखी। लूजर्स की लिस्ट आपके लिए पुल अप कर लेते हैं। लाइफ इंश्योरेंस के काउंटर में हल्की फुल्की मुनाफा वसूली देखी जा रही है, एचडीएफसी लाइफ देखे तो 2% के कट के साथ ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। पावर ग्रिड जो डाउनग्रेड आया था वोवा की तरफ से, उसके बाद यहाँ पे लगातार दूसरे दिन बिकवाली हुई है, 1.5% का कट आपको यहाँ पर भी दिखेगा। अपोलो हॉस्पिटल और एक्सिस बैंक भी लाल निशान में ट्रेड करते हुए फिलहाल नजर आ रहे हैं। लेकिन खबरों के दम पे काफी सारे स्टॉक्स में एक्शन है और हमने ऑलरेडी देखा है छोटे मझोले स्टॉक्स में काफी एक्शन पिछले कुछ दिनों में नजर आया। जेबीएम ऑटो देखे तो 11% की रफ्तार लगाते हुए नजर आएगा। पतंजलि फूड्स कल लोअर सर्किट पे था, लेकिन आज 5% के अपर सर्किट पे दिख रहा है। ओएफएस के चलते और स्पार्क भी देखे तो जो पॉजिटिव न्यूज आई है उसके बाद 4% ऊपर आपको ये काउंटर भी फिलहाल दिखेगा। ग्लेनमार्क फार्मा और सेनको गोल्ड नई लिस्टिंग, दमदार लिस्टिंग जो हुई थी, 30% के गेन अभी भी होल्ड करता हुआ नजर आ रहा है। ग्लेनमार्क फार्मा जो ग्लेनमार्क लाइफ साइंसेज से खबर आई थी उसके बाद 2.5% की तेजी यहां पर भी आपको नजर आएगी। ब्रॉडर मार्केट में भी मूड माहौल काफी अच्छा, वॉल्यूम के दम पे नैल्को, आरबीएल बैंक, डेल्टा कॉप और इन्फोसिस के काउंटर से जो रफ्तार लगाते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन ब्रॉडर मार्केट से आपके लिए टॉप गेनर्स की लिस्ट पुल अप कर लेते हैं। सी इन्फोसिस्टम, सार्टन क्रेडिट केयर, तिलक नगर इंडस्ट्रीज, न्यूक्लियर सॉफ्टवेयर में देखे तो आपको 6-9% के बड़े उछाल आपको इन काउंटर्स पे स्क्रीन पर देखने को मिलेंगे। लूजर्स के लिस्ट में मजदार डॉग, यहाँ पे आपको मुनाफा वसूली नजर आ रही है, 4% का कट आज दिखेगा। बड़े 2 दिन के गेंस के बाद थोड़ी बहुत मुनाफा वसूली यहाँ पे हुई है। पीबी फिनटेक, आईसीआईसीआई प्रो और डेटा पैटर्न्स में देखें तो 2.5-3.5% का कट आपको यहाँ पे दिख रहा है। तो भरपूर एक्शन मार्केट में लगातार बना हुआ है। ओके, भरपूर एक्शन है और इसी एक्शन को आगे बढ़ाएंगे, बात करेंगे हम हमारे खास सेगमेंट पर। शुरुआत करते हैं लाइफ एट लाइफ हाई। लाइफ एट लाइफ हाई में आज हमारे साथ मौजूद हैं अल्फा क्वांटम कैपिटल मैनेजमेंट के संजीव अग्रवाल, जो दुबई में रहते हैं और अल्ट्रा एचएनआईज को फंड मैनेजमेंट सर्विस देते हैं। संजीव अग्रवाल को अलग अलग एसेट क्लास का पीक और बॉटम पकड़ने का महारत
हासिल है। एजुकेशन की बात करें तो संजीव ने 1989 में IIT BHU से BTEC और 1991 में IIM बैंगलोर से MBA, और ऑफकोर्स इनके पास जबरदस्त अनुभव है मार्केट ट्रैक करने का, और 30 साल से ज्यादा का अनुभव हम यहाँ बता रहे हैं। तो क्लियरली इनके जो क्यूज होंगे वो बहुत इंपॉर्टेंट होंगे हमें यहाँ पर देखने के लिए। संजीव बहुत बहुत स्वागत है, धन्यवाद आप हमारे साथ स्टूडियो में यहाँ पर मौजूद हैं, और जहाँ लाइफ एट लाइफ हाई की हम बात कर रहे हैं, मार्केट्स को आप कैसे देख रहे हैं इस वक्त, और क्या अहम क्यूज हैं जो निवेशकों को यहाँ पर देखने चाहिए? देखिए, मैंने मार्च में इसको दिया था कि ये हमारा बैंक निफ्टी और निफ्टी का हाई बनना चाहिए। उस समय एक्चुअली सेंटीमेंट काफ़ी ख़राब था जी, एंड ऐसा बात हो रहा था कि 14,000 से 15,000 हमारा निफ्टी आ सकता है, क्योंकि FII लगातार सेल कर रहे थे। अप्रैल में उन्होंने खरीदना शुरू किया, और मैंने पहले भी बोला था कि ये मार्च की एक बार क्लियरिंग निकल जाए उसके बाद चीज़ें ठीक हो जाएंगी। हाँ, तो उसके बाद अब क्या है, वी आर रीचिंग इन, हमारा जो जोन है 19,000 to 21,000 का मैंने निफ्टी का दिया था, और 45,000 से 50,000 तक जा सकता है, मतलब आई थिंक अराउंड 4,800 बैंक निफ्टी ब्रेकआउट होना चाहिए। बट अभी मेरे को लगता है, आप देख भी रहे होंगे पिछले एक हफ्ते से, देयर इज अ लॉट ऑफ प्रॉफिट बुकिंग मिड कैप्स में भी आ रहा है, और ये है, तो मेरे को लगता है कि अभी, और वैसे भी मिड जुलाई में जनरली अगर आप देखें US में प्री इलेक्शन ईयर है, तो करीब मिड जुलाई में पीक बनने के बाद ना एक प्रेडिक्शन वो आता है, तो मेरे को लगता है कि इस समय यहाँ पे बिल्कुल भी एग्रेसिव नहीं होना चाहिए। आपको पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग, 50% प्रॉफिट बुकिंग करना चाहिए, वेट करना चाहिए करेक्शन का। ऐसा नहीं है कि आप सारा कुछ बेच के चले जाएं, बट ट्रेडर्स को डेफिनेटली अपना एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस भी रखना चाहिए। हम 19,000 बल्कि 18,800 विल बी सेफर स्टॉप लॉस, और अगर बैंक निफ्टी में भी देखें तो 44,000 या 43,800 is a very safe kind of a trailing stop loss. किसी ने 39,000 पे खरीदा है और 43,800 becomes कि हाँ, आप उसके नीचे लॉन्ग तो नहीं रहना है। नहीं रहना है, तो थोड़ा कॉशियस होना है, ध्यान से काम करना है, एग्रेसिव नहीं होना है आपने कहा है, और यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग हमें जरूर दिख रही है। कोई स्पेसिफिक ट्रेंड्स, किसी स्पेसिफिक सेक्टर को लेकर आप ज्यादा बुलिश हैं? कहीं आपको लगता है कुछ पॉकेट्स हैं जो यहाँ पर एक तरह से श्योर शॉट ऊपर ही जाएगा, इस तरीके का कोई आपकी एनालिसिस? देखिए, तीन सेक्टर मैंने, जो एक IT काफ़ी अच्छा लगता है, एक्चुअली अंडर परफॉर्म किया है अभी तक, और नैसडेक जिस ढंग से इसने स्ट्रेंथ दिया है, मैं तो उस हिसाब से IT में अभी काफ़ी मूव बचती है। देखिए, IT वाज द हाईएस्ट हाई फ्लायर लास्ट ईयर, फिर गिरा तो काफ़ी बड़ा करेक्शन आया, और वो करेक्शन अभी तक बेस बना रहा है, तो IT में एक अच्छा है। मेटल्स में ब्रेकआउट हुए हैं, जैसे कॉपर कल मूवमेंट अच्छा था, तो ये मेटल्स जो हैं इनकी रैली अभी अच्छी बन सकती है। और तीसरा मेरे को लगता है सीमेंट, ये एक बार मानसून खत्म हो जाए उसके बाद सीमेंट में अच्छा पिकअप आएगा। वैसे तो देखिए, एक करेक्शन के बाद सारे जो हमारे सेक्टर्स हैं वो फिर से आए बन जाएंगे। हम मतलब रेदर देन बीइंग अ सेक्टर स्पेसिफिक, हम टाइमिंग पे ज्यादा ध्यान देते हैं। जब सब जाता है ना, जब गिरता है तो सभी सब गिरता है, और जब ऊपर जाता, तो सब भले ही नहीं चढ़े, मगर 80-90% मार्केट चलना शुरू हो जाता है। बिल्कुल, तो आप कह रहे हैं कि जैसे सीमेंट है, इंफ्रास्ट्रक्चर प्ले जो हो रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर प्ले, उसका एक बेनिफिशियरी होगा। IT और मेटल्स, ये कुछ पॉकेट्स हैं जो आई थिंक बाय एंड लार्ज है। कहां से दूर रहना है, कौन से सेक्टर्स को इस वक्त यू नो टच? इस समय फ्रॉथ से दूर है। बेसिकली क्या है कि ऐसा कोई सेक्टर नहीं है जिसमें आप देखें कि बहुत ज्यादा ओवर वैल्यूड है, मगर एज अ इंडियन मार्केट जो है, अगर आप देखें 20-21 के पी पे कोई बहुत ज्यादा चीप नहीं, इट्स एक्चुअली एक्सपेंसिव। अगर आप थाईलैंड का मार्केट देखेंगे तो वहां 4-5 के पी पे आपको बड़ी अच्छी कंपनी, ग्रोथ कंपनी भी मिल जाती है, मगर हमारा मार्केट, मगर ऐसा मैंने कहा था पहले भी कहा था कि दिस मतलब डिकेड और मे बी नेक्स्ट 50 ईयर बिलोंग्स टू इंडिया, तो FII का इंटरेस्ट भी, जो FPI है उनका इंटरेस्ट बन रहा है कि भाई यही सबसे अच्छी स्क्रिप्ट है, थोड़ी महंगी है तो खरीद के रख लो, क्वालिटी है। हाँ, तो वो एक्चुअली इंडिया हैज बिकम अ लॉट ऑफ इंटरेस्ट इज जनरेटिंग, और जिस ढंग से इवन अगर आप जियो पॉलिटिकल में भी देखें, मतलब जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को जिस ढंग से पूरी वर्ल्ड में मतलब लीडरशिप, मतलब अमेरिका से ज्यादा एक तरह से ट्रैक्शन मिलता है, अगर यूक्रेन और रशिया का वॉर रुकवाना है तो जी मोदी जी करा सकते हैं, तो यू नो
तो कॉन्फिडेंस एक भरोसा, वो एक जो 10 साल पहले या इवन 20 साल पहले मैं देखता हूँ, मैं 95 की बात कर रहा हूँ, इंडियंस को वॉल स्ट्रीट में एंट्री नहीं मिलती थी, बहुत मुश्किल से मिलती थी। नहीं, बहुत बदला है फॉर द बेटर, आई थिंक वो जरूरी है। जो ग्लोबल की आपने बात की, और ग्लोबल मार्केट्स में जिस तरह से अभी वॉलेटिलिटी है, वहां का मार्केट कुछ अलग ही डायरेक्शन में, और हम अपने ही यू नो जोश में है, तो ऐसे तो हम बोलते हैं कि हम अपने आप को ग्लोबल सेटअप से दूर नहीं मान सकते, तो उसका कैसे आप कैसे समझाएंगे जो हमारी परफॉर्मेंस है वर्सेस जो वर्ल्ड की परफॉर्मेंस हो रही है, और वहां पर क्या? मैंने जनवरी में मेरा इस साल पहला इंटरव्यू था अनिल जी के साथ, तब मैंने बोला था कि नैसडेक विल आउट परफॉर्म एंड डाओ विल अंडर परफॉर्म, एंड दिस हैज हैपेंड। मार्च में एक ऐसा दिन भी था कि नैसडेक वॉज अप बाई 20% एंड डाओ वॉज निगेटिव बाई 3%। जी, मतलब ये एक बड़ी चीज है, सेम मार्केट में मतलब दो अलग अलग इंडेक्स, मतलब एक इंडेक्स 20% अप है और दूसरी निगेटिव में आया। इवन 10% राइज वुड हैव बीन क्वालिफाई फॉर अंडर परफॉर्मेंस, बट दिस टाइम, और अभी तक जो रैली थी अप्रैल में ही, मैं बता रहा हूँ, हमने देखा था कि 96% ऑफ द टोटल S&P गेन वॉज ड्रिवन बाई ओनली 6 स्टॉक्स। अब वो बाकी जो पिटे हुए थे वो चलना, मतलब जो इक्वल वेट इंडेक्स है S&P की, वो इट वॉज नियर द बॉटम ऑफ अक्टूबर, बॉटम ऑफ अक्टूबर, विच इज देखिए 3500 पे हमने ये 13th अक्टूबर को जिस दिन इन्फ्लेशन रेट आया था बहुत, और था दिन के हाई के ऊपर, इट वाज एनगल्फिंग पैटर्न, और ये हमने उसी दिन कह दिया था कि आज मार्केट की बॉटम बन जाएगी। एक्चुअली अभी तभी से देखिए कि रिसेशन का अभी तक खत्म नहीं हुआ, इंटरेस्ट रेट अभी भी मेरे को लगता है जुलाई में एक बार अभी दो हाइक बची है, जो लोगों को लग रहा था, मगर अभी ये इन्फ्लेशन डेटा जो आया है उससे थोड़ा सा इसका चांस कम हुआ है कि शायद जुलाई में ना बढ़ाए, बट अभी मेरे को लगता फिर है भी अभी दो साइकिल्स और, हेड जो है वो पिछली बार उसने इन्फ्लेशन को ट्रांजिएंट कह के ट्रांजिटरी, हाँ, कि हम पीछे हैं, दे वांट टू बी पॉलिटिकली करेक्ट कि नहीं, हमें इन्फ्लेशन को 2% लाना है, चाहे पूरा फेड की जो डायरेक्शन हुई है, और अभी देखें ट्रिलियंस ऑफ डॉलर के M2M पे बैठे हुए हैं सारे बैंक जी, जी। तो मगर भारतीय बाजार के लिए तो एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है, लोग यहाँ देख रहे हैं, यहाँ पैसा लगाना चाह रहे हैं, यहाँ पर रिजल्ट्स अच्छे, मगर अभी US मार्केट का मैंने पिछली बार भी बताया था कि ये 5500-5600 जाता है, उस समय इम्प्रोबेबल लग रहा था, मगर जो आपने तो मारे ये तो पाई है कि जो स्ट्रक्चर है उसके हिसाब से हमने बोला था। देखिए वैसे भी मार्केट जो है ना वर्स्ट न्यूज पे ही बॉटम बनाता है और बेस्ट न्यूज पे ही पीक बनाता है, एक्चुअली इट्स अ फाइट बिटवीन स्मार्ट मनी एंड डम मनी, राइट? तो डम मनी तो वर्स्ट न्यूज पे खरीदेगा नहीं, बिल्कुल, केवल स्मार्ट मनी खरीदेगा, और अगर वर्स्ट न्यूज पे मार्केट पॉजिटिव हो रहा है जी, तो ये सिग्नल है हु इज बाइंग, बिल्कुल, और बेस्ट न्यूज पे मार्केट गिर रहा है इसका मतलब हु इज सेलिंग, क्योंकि पब्लिक तो न्यूज के हिसाब से चलती है, न्यूज के उल्टा तो केवल स्मार्ट मनी चलता है। बिल्कुल सर, बहुत इंटरेस्टिंग आपके यू नो एनेक्डोट्स हैं, और ये जो हमारे पार्टिसिपेंट्स हैं, जो व्यूअर्स हैं, उनको जरूर यहाँ पर हेल्प करेंगे कैसे मार्केट को पढ़े, और आपका अनुभव ऑफकोर्स यहाँ हेल्प कर रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। एक मैं आपको गोल्ड का और बताऊं, गोल्ड क्योंकि अभी वहां पर अच्छा है, गोल्ड जो है अभी $1955 के ऊपर एक तरह से न्यूट्रल जोन में आ गया है, हमने एक्चुअली 2085 से सेल दिया था, जो बिल्कुल पीक था, एक्चुअली 5 मई को मेरा अनिल जी के संग इंटरव्यू था, तो सिल्वर वहां से करीब 17% गिर गई थी, और गोल्ड सिल्वर में एक्चुअली शॉर्ट फंसी है, वैसे ये 2360 और दूसरा लेवल था 2450, दोनों के ऊपर निकल गया, बट आई फील कि इस समय गोल्ड जो है एक बार $1950 के नीचे फिर से होल्ड हो जाता है तो इट विल बिकम अ सेल, आई विल नॉट बाय क्योंकि इट इज स्टिल इन अ न्यूट्रल, मगर $1955 के नीचे एक तरह से वीकनेस शुरू हो जाती है और 1950 के नीचे कंफर्म हो जाती है, और सिल्वर आई थिंक अभी शॉर्ट्स हैं, तो अवॉइड कर, जो भी करेक्शन मिलता है तो शॉर्ट्स को उसमें एग्जिट करके एक बार शांत बैठ, वैसे सिल्वर जो है थोड़ा गोल्ड के मुकाबले थोड़ी नॉटी बच्चा है, मतलब ये थोड़ी ज्यादा वोलेटाइल है, बिल्कुल, एंड इट डजंट, इट वर्क्स सम टाइम इन अ स्ट्रेट लाइन, तो थोड़ा अवॉइड ट्रेडर्स को, तो गोल्ड और सिल्वर इस वक्त अवॉइड करके हम चल सकते हैं, हाँ, मगर 1950 के नीचे हमारा जो टारगेट है गोल्ड में जो हमने दिया था
$1,650 बाई नवंबर तक आना चाहिए. ओके ऑलराइट, तो ये इम्पोर्टेंट है टारगेट जो आप बता रहे हैं. धन्यवाद सर, आप हमारे साथ जुड़े और हमें बताया किस तरीके का मार्केट आउटलुक है, चाहे वो इंडिया हो या ग्लोबल. तो लाइफ एट लाइफ हाई में इतना ही. एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हम आपको दिखाएंगे सेंको गोल्ड, इसका जो IPO आया, जबरदस्त लिस्टिंग हुई, इनके मैनेजमेंट के साथ एक्सक्लूसिव बातचीत की अनिल सिंह भी के साथ. छोटे से ब्रेक के बाद हम जल्द वापस आते हैं. ये तो प्यार के पंछी हैं, ये तो प्यार के पंछी. इनकी शान की तो लग गई. ऐसा आपके और आपके फर्नीचर के साथ ना हो, इसलिए लाइए सिरका BU पॉलिश, जो प्रिजर्व करे फर्नीचर और वुडन सर्फेसेस की नेचुरल ब्यूटी को. सिरका है तो शान है. Congratulations for your 1078 surgery, sir. Congratulations, sir. कहाँ तक पहुँचे? Laparotomy is done, sir. कैंची देना, कैंची. कैंची? कैंची? कैंची तो नहीं है. कैंची नहीं है मतलब? आप हर सर्जरी के बाद कैंची पेशेंट के अंदर ही बोल जाते हो. कैंची? मैं? कुछ भी. हाँ. अच्छे अच्छों से भी कुछ बातें अनदेखी रह जाती हैं, जो उन्हें कोई और दिखाता है. वैसे ही सैम को एक तजुर्बेदार ट्रेडर को उसका अनदेखा सच दिखाए और बनाए बेहतर ट्रेडर. सैम को ट्रेडिंग ऐप. कैच नहीं भूलनी है, कैच नहीं भूलनी है, कैच नहीं भूलनी है. कॉल शॉर्ट नहीं करनी, कॉल शॉर्ट नहीं करनी, कॉल शॉर्ट नहीं करनी, कॉल शॉर्ट. कैच नहीं भूलनी है, कॉल शॉर्ट. सैमको सिक्योरिटीज ने मेरे ट्रेडिंग का अनदेखा सच मुझे दिखाया. जब जब मैंने कॉल लॉन्ग किया है, बेहतर ट्रेडिंग की है. जब जब मैंने कॉल शॉर्ट किया है, पैसा गवाया. इसीलिए कॉल शॉर्ट नहीं, कॉल शॉर्ट नहीं. कैंची नहीं भूलनी है, कॉल शॉर्ट नहीं, कैंची नहीं. कॉल. नमस्कार, सैमको ट्रेडिंग ऐप. हम आप ही के तजुर्बों का अनदेखा सच दिखाते हैं. धन्यवाद. कैंची नहीं भूलनी है, कैंची नहीं भूलनी यार, कैंची नहीं. लॉस 5%, स्टॉप लॉस 5%, स्टॉप लॉस 5%, स्टॉप लॉस 5%, लॉस 5% स्टॉप. वो सैमको सिक्योरिटी ने मेरी ट्रेडिंग का अनदेखा सच मुझे दिखाया है. जब जब मैंने स्टॉप लॉस 5% रखा है, तब तब बड़े नुकसान से बचा हूँ. इसीलिए स्टॉप लॉस 5%, स्टॉप लॉस 5%. कैंची नहीं भूलनी है, स्टॉप लॉस 5% नहीं भूलनी है, स्टॉप लॉस 5%. नमस्कार, सैमको ट्रेडिंग ऐप. हम आप ही के तजुर्बों का अनदेखा सच दिखाते हैं. इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज मार्केट आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क्स. रीड ऑल द रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स केयरफुली बिफोर इन्वेस्टिंग. वेलकम बैक, आप देख रहे कॉर्पोरेट राज. और आज बाजार में सेंको गोल्ड ने जोरदार एंट्री की है. इनफैक्ट 36% प्रीमियम पर सेंको गोल्ड की दमदार लिस्टिंग हुई है. लिस्टिंग के बाद अब क्या है कंपनी के आगे के प्लान्स, और ये जानते हैं जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंह भी के साथ. सेंको गोल्ड के MD एंड CEO शुभांकर सेन की बातचीत, आइए दिखाते हैं. स्वागत है आप सबका न्यूज पर व्यूज में. आज एक बेहद शानदार कंपनी से हम आपकी करवाने जा रहे हैं मुलाकात, जिसकी लिस्टिंग ही आज हुई है. कैपिटल मार्केट की शुरुआत आज से हुई और क्या दमदार लिस्टिंग होती दिखी. जी हां, सेंको गोल्ड देश भर में रिटेल ज्वेलरी का कारोबार करने वाली यह कंपनी 50 से ज्यादा सालों से ज्वेलरी इंडस्ट्री में सक्रिय है और प्रमोटर्स की चौथी पीढ़ी के तौर पर सेंको गोल्ड बिजनेस में है, ये आप देख सकते हैं. और रिटेल जो इनके क्लाइंट्स हैं, जो स्टोर्स हैं, उनके नंबर के हिसाब से देखें तो पूर्वी भारत की सबसे बड़ी ऑर्गेनाइज्ड रिटेल ज्वेलरी कंपनी है. गोल्ड, सिल्वर, डायमंड वगैरह सारे ये जो है सारे की सारी ज्वेलरी बनाते हैं. 13 राज्यों में मौजूद है. ज्यादा फोकस पश्चिम बंगाल में कंपनी का है. आइए आपकी मुलाकात करवा दूं मैं शुभांकर सेन साहब. कंपनी के होल टाइम डायरेक्टर हैं, MD हैं, CEO हैं. कोलकाता यूनिवर्सिटी के सेंट जेवियर्स कॉलेज से आपने साइंस में बैचलर्स और इकोनॉमिक्स ऑनर्स में डिग्री हासिल की है. IIT गाजियाबाद से आपने बिजनेस मैनेजमेंट में पोस्ट ग्रेजुएशन किया है. 2005 से कंपनी के साथ में है. इंडस्ट्री का 17 साल से ज्यादा का गहरा लंबा अनुभव है. शुभांकर सेन साहब, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका. धन्यवाद हमें समय देने के लिए. बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं तो हमने आपको पहले ही दी थी. जो नजर भी आई होगी, 77 गुना आपका इश्यू भरा है. लोगों को बड़ा भरोसा रहा है आपकी कंपनी पर IPO के वक्त भी, और लिस्टिंग भी 35% ऊपर किसी भी लिहाज से एक ज्वेलरी कंपनी. मेरे ख्याल से मैं 30 साल से मार्केट देख रहा हूँ, मैंने किसी भी ज्वेलरी कंपनी की इतनी बढ़िया, इतनी दमदार लिस्टिंग नहीं देखी. बहुत बहुत बधाई सर आप. थैंक यू सर, थैंक यू. अब सर देखिए, लिस्टिंग भी दमदार है,
और आईपीओ को रेस्पॉन्स भी बड़ा मिला, तो जिम्मेदारियां आप समझ ही गए होंगे कि बहुत ज्यादा है। अब ये बताइए सर, अगले 3-5 साल के लिए आपका कंपनी को लेकर क्या विजन है? देखिए, अगर हम लोग जैसे लास्ट 3-5 साल में जैसे ग्रो करते गए, आज ये जो आईपीओ हुआ है उसका 270 करोड़ हम लोग वर्किंग कैपिटल के लिए ले रहे हैं, और उसका मेन उद्देश्य यही है कि हम लोग नया शोरूम बनाते जाएंगे। और सेंको गोल्ड एंड डायमंड का जो स्पेशल एक यूएसपी है वो है उसका फ्रेंचाइजी मॉडल। सो ये जो 136 स्टोर्स के आपने बताया है, उसके 75 स्टोर्स है कंपनी ऑन कंपनी ऑपरेटेड, और बाकी जो 61-62 स्टोर्स है वो है फ्रेंचाइजी। सो हम लोग का सोच यही है कि खाली पूर्व भारत नहीं, ईस्ट इंडिया नॉर्थ इंडिया में फोकस करते हुए बड़े शहर में अपना कंपनी ऑन कंपनी ऑपरेटेड स्टोर्स करें, और जो छोटे छोटे टायर 2-3-4 सिटीज है वहां पे हम लोग अपने बिजनेस पार्टनर्स खोजे, फ्रेंचाइजीज खोजे, जो सेंको गोल्ड एंड डायमंड को घर घर तक पहुंच जाने के लिए हम लोगों को हेल्प करेंगे। और हम लोग का जो कारीगर है वो ज्वेलरी जो बना रहे हैं वो है लाइट वेट ज्वेलरी जो बजट में हो, वो गोल्ड हो कि डायमंड हो। तो अपना जो मिडिल क्लास अपर मिडिल क्लास कस्टमर है, जो यूथ है जिनका डिजाइन एस्पिरेशन बढ़ रहा है, तो उनके लिए ज्वेलरी बनाते जाएंगे और घर घर में पहुंचना चालू करेंगे ईस्ट इंडिया नॉर्थ इंडिया में। यही सोच से हम लोग नेक्स्ट 3-5 ईयर्स ग्रो करते जाएंगे। तो स्टोर्स हर एक साल, लास्ट अगर देखा जाए 3-5 साल में 10-15 स्टोर्स सालों साल हम लोग बनाते गए। सो एवरी ईयर 10-15-20 स्टोर्स जैसे हम लोग ग्रो करते जाएंगे वैसे स्टोर्स ऐड करते जाएंगे। कुछ तो आप अलग करने की सोच रहे हैं, जो ज्वेलरी कंपनियां जनरली दूसरी होती है उसके मुकाबले, और क्या ऐसा नया अलग आप करेंगे? क्योंकि देखिए सर, ज्वेलर्स तो बहुत है, लिस्टेड भी है, अनलिस्टेड भी, आपके एरिया में भी कॉम्पिटिशन बहुत होगा, एक एक दुकान लेके बैठने वाले लोग भी हैं, राइट सर? तो आप ऐसा क्या अलग करेंगे जिसके आपके इन्वेस्टर्स की वेल्थ बने, आपकी कंपनी की वैल्यू बढ़े? देखिए, हम लोग का बिलीफ यही हर टाइम रहता है कि वी हैव टू ग्रो विथ पीपल। तो उस हिसाब से जैसे आपको बताया फ्रेंचाइजी मॉडल में हम लोग का अबिलिटी टू पेनिट्रेट इनटू द टायर 2-3-4 सिटीज बहुत अच्छा है, स्केलेबिलिटी ऑफ द बिजनेस मॉडल बहुत इजीली हो जाता है, दैट इज नंबर वन। नंबर टू, कलकत्ता में बैठे हुए जो कारीगर्स है इंडिया के लिए, मैक्सिमम कारीगर्स विलेजेस फ्रॉम इन एंड अराउंड कलकत्ता में बनाते हैं, तो ये जो लाइट वेट ज्वेलरी है, अफोर्डेबल ज्वेलरी है, बाकी ज्वेलर्स भी बनाएंगे, बट हम लोग जिस ईज के साथ और जो कॉस्ट इफेक्टिवनेस के साथ बना पाएंगे बाकी लोगों के लिए वो थोड़ा दिक्कत आएगा। तो वी बिलीव दैट वो ज्वेलरी मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी में हम लोग बाकी लोगों से आगे रहेंगे। उसके साथ साथ जैसे ऑडिटर हम लोग 12-13 साल से KPMG ग्रैंड थॉर्नटन को यूज किए, उस हिसाब से बेस्ट प्रैक्टिसेस जो अब खाली ज्वेलरी इंडस्ट्री का नहीं बाकी इंडस्ट्री का भी रहेंगे वो भी हम लोग अपने यहां पे इंप्लीमेंट करते जाएंगे। और हम लोग का जो ERP है, जो बैकएंड स्ट्रांग प्रोसेसेस और सिस्टम्स है, उस हिसाब से डेटा ड्रिवन डिसीजन मेकिंग कि कहां पे क्या बिक रहा है, और उस हिसाब से टेक्नोलॉजी आज CRM इंप्लीमेंट कर रहे हैं, कस्टमर तक पहुंचने का कोशिश फुल जारी है, और ओल्ड कस्टमर्स भी रिपीट आता जाए, इमोशनल बॉन्डिंग होता जाए। सो टेक्नोलॉजी में अभी और नया नया बहुत सारे टेक्नोलॉजीज आते जाएंगे। हम लोग जैसे जैसे ये जो बैक एंड ट्रेडिशनल प्रोडक्ट के साथ न्यू इनोवेशन ये जो ब्लेंड करते जाएंगे, वी विल कीप अपडेटिंग ऑल ऑफ यू जैसे जैसे हम लोग नया इनिशिएटिव लेंगे।